हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज, नेचुरल नंबर के लिए आपको पूछ रहा है कि ये लेस देन जो है रिलेशन वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या इक्वेलेंस रिलेशन होगा। अगर आपने दो एलिमेंट लिया है ए बी और ये किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, तो क्या ए इज लेस देन ए, ये है ए इज लेस देन ए, नहीं, ए इज लेस देन बी तो बी लेस देन ए होगा नेचुरल नंबर में, इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, यानी ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ए इज लेस देन ए ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि ए इज लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है, यानी सारा नंबर्स अपने से लेस नहीं हो सकता, तो लेस देन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए अगर हम कहते हैं ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ए बी सी क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, तो ये ट्रू होगा ये रिलेशन, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी ये ट्रू होगा, सो ऑब्वियसली इट इज ट्रू, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। जैसे ही एक सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो ये रिलेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता, कि इक्वेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू।